पंजाब का टॉपिक चल रहा सी नौकरियां बारे, उस दे विच मैं तुहानू इंट्रोड्यूस कराना चाहना भी ये मेरा बेटा है अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा जिदी अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कैबिनेट विच कीती। ये मेरा बेटा है कंवर प्रताप सिंह बाजवा, है वड्डा है छोटा है, ये पंजाब की पॉलिटिक्स दे विच, ये पंजाब यूथ कांग्रेस का जनरल सैकटरी है, ये साडा मेरा परिवार है। तो जिहड़ी कंपैशनेट ग्राउंड के उत्ते नौकरी लैण की कोई गल आई उस दे उत्ते पहले मैं चाहवांगा भी अर्जुन अपना व्यू पॉइंट दे और उस तो बाद फिर कमर अपना व्यू पॉइंट दे, फिर मैं देवांगा, फिर तुहाडे क्वेश्चन जो भी तुसीं करना चाहोगे वी आर देयर। तो सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, अल्लाह दे इत्थे आण वास्ते। हाँ ते हुण ठीक है जी। सारिआं तों पहलां जी मैं साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का तहे दिलों धन्नवाद करना चाहुंदा जिन्हां ने साडे दादा जी सरदार सतनाम सिंह जी बाजवा की शहादत नूं ये ऑनर दित्ती ते मैनू इस काबिल समझिया कि मैं इस पुलिस की नौकरी का रोल चंगी तरह निभा पावांगा। तो उन्हां मंत्रियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहुंदा, विधायकों का, सांसदां जां जिन्हां ने इस डिसीजन नूं बैक किया, उन्हां दी सपोर्ट की साडे पक्ष विच वी किया, क्योंकि उन्होंने वो रियलिटी देखी है उस टाइम की, तो उन्होंने पता कि जिहड़े टैररिस्ट परिवार विक्टिम ने उन्हां ते उस टाइम ते की बीती है। सो आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि तुसीं सानूं इस काबिल समझिया। ऑन दी अदर हैंड जिहड़े लैवल की अज मैं राजनीति देखी है इस टॉपिक ते, दैट दिस होल इशू हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, सो उहदे ते मेरा दिल बहुत दुखदा है। शर्म आउंदी है मैनूं कि अज साडी राजनीति पंजाब दी किस लैवल ते पहुँच गई है, भी किसी की सैक्रीफाइस के उत्ते कई राजनीतिक लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, मी माय फादर माय मदर माय एल्डर ब्रदर कंवर एंड माय सिस्टर सुखमनी, वी ऑल सैट टुगेदर एंड वी हैव टेकन अ कलेक्टिव डिसीजन विद इन आर फैमिली दैट वी विल नॉट बी सेइंग यस एंड एक्सेप्टिंग दिस जॉब। जिथे साडे दादा जी ने अपनी लाइफ पार्टी वास्ते, पंजाब दे पीस वास्ते सैक्रीफाइस करती, तो यह नौकरी का बहुत छोटी चीज़ है। एहो जिहा नौकरियां मैं 100 वारी वारन नूं तैयार हाँ जे इहदे करके साडी पार्टी ते, साडी फैमिली ते या साडे लीडर ते कोई इल्ज़ाम लगते ने, कोई उंगल उठाउंदा, तो इहो जिही नौकरी मैं 100 वारी छड्डण नूं तैयार हाँ। हुण दूजी गल ते उहना जी मेरी क्रेडिबिलिटी दे बारे बहुत क्वेश्चन उठे ने कि जी अर्जुन बाजवा करदे की ने, करोड़ां दीआं गड्डियां ते चलाउंदे ने, करोड़ां दीआं कोठियां ने इहनां कोल। किसी ने यह पता करन दी कोशिश की कि अर्जुन बाजवा की क्वालिफिकेशन की है, मैं थोनू दस दिना, मैं नैशनल लैवल ते बास्केटबॉल हॉकी गोल्फ का प्लेयर रह चुकिया, फिटनेस दे अंदर मैं पूरा, आई हैव स्टडीड इन द मोस्ट प्रेस्टीजियस स्कूल इन दिस कंट्री कॉल द लॉरेंस स्कूल सनार। जे मैं वधिया कॉलेज चल गया, वधिया स्कूल चो ग्रैजुएट हो गया, मेरे कोल BBA की डिग्री है, सारिया क्वालिफिकेशनस ने, तो हाउ डज दैट स्टॉप मी फ्रॉम क्लेमिंग माई राइट? How does that stop people to tell me about my grandfather's sacrifice? कि 34 साल बाद जी किदां दे रहे हो? कोई शहादत की कोई एक्सपायरी डेट हुंदी है कि महात्मा गांधी अज तो किन्ने साल पहले शहीद हो गए? आपां कह नहीं जी 20 साल हो गए बस महात्मा गांधी नूं भुल जाइए फिर आपां, ये कित्थों दा जस्टिस है? लोकी गल करदे ने। एक होर पॉइंट मैं बहुत क्लीयरली दसना चाहुंदा कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जदों कोई बंदा इंस्पैक्टर DSP रिक्रूट हुंदा है, ऐ नहीं हुंदा कि कल नूं कैबिनेट ने अप्रूव किया तो अज मैं वर्दी पा के ते थाने पहुँच गया। इहदी 2 साल की बकायदा ट्रेनिंग हुंदी है, 1 ईयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इन फिलौर, 3 मंथ्स कमांडो ट्रेनिंग एट बहादुरगढ़ फोर्ट, दैन 8 मंथ्स यू आर पोस्टेड एज एन SHO ऑन फील्ड, उस तो बाद जाके तुसीं कितें लगते हो। मैं कोई चेयरमैन ही तो लिती नहीं कि जी हाँ बड़ा सौखा काम है कि तुसीं जे AC दफ्तर से जाओ तो शामी 2 घुग्गियां कागजा से मार के तो घर नूं। पुलिस की नौकरी एक ब्रेव हार्ट की नौकरी है, इट वुड हैव बीन नथिंग बट अ ट्रिब्यूट टू माई लेट ग्रैंड फादर, ही वुड हैव लव टू सी मी इन दिस यूनिफॉर्म सर्विंग द कंट्री लाइक ही डिड, एंड मे बी खुदा ना खास्ता पुलिस की नौकरी यह जी है कि यू हैव टू रिस्क योर लाइफ एवरी डे टू फाइट क्राइम। यह तो हुंदा नहीं ना कि भाई बहुत की कहते हैं टॉर दी मतलब की कहते हैं बहुत ईजी लाइफ है, यू हैव टू रिस्क योर लाइफ एवरी डे टू प्रोटेक्ट पीपल, दैट्स वॉट माई ग्रैंड फादर डिड, दैट्स द प्रेसिडेंट ही सेंटेड।
he created and that's the blood that is running in our veins to serve this nation in some way. So ye naukri choti cheez hai koi na, I think life has better things to offer me. Te appa ki kehnde hai ede utte inni gandi rajneeti na kariye. Te teeji gal main hun aana chahna ke kise bacche ne apne dade da jehda pyar nahi kade dekhya. I lost my grandfather before I was born. ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਆ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ. ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦਊਗਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਈਅਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਸਤਬਚਨ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਉਹ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ. ਵੀ ਹੈਵ 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਰਨਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ. ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸੋ ਮਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਰ ਓਨ ਪੋਕਿਟਸ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਕੌਨਸ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਆਲਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮਿੰਗ ਦਿਸ ਜੋਬ ਔਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ. ਦੇਰ ਆਰ 1300 ਪੀਪਲ, 1300 ਲੋਕ ਔਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਡ ਨੇ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਲੈਜਿਟ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ IG SSP ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਡੇ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ ਫੋਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਮ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦੈਟ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮੜ ਜਾਂਦਾ. ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੋਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂਡੇ, ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਨੇਮ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਹਿਸ ਫੋਲਟ? ਇਜ਼ ਇਟ ਮਾਈ ਫੋਲਟ ਦੈਟ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ? ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਦੀਸ ਪੈਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡੇਟ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਕ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀ ਡੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ TV 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਟੂ ਹਿਮ. ਜਿਹੜੇ 2 ASI ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਵਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੂਗੀ TV 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ? ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ. ਅਨਟਿਲ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਆਈ ਵਿਲ ਵਰਕ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਵਟ ਐਵਰ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਔਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿਲਨ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਇੰਗ ਐਨੀ ਫੈਕਟਸ. ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਓਫੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀ, ਬਟ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਡ ਬਾਈ ਆਲ
न्यूज़ चैनल अबाउट मी, माई क्रेडिबिलिटी, माई फादर्स क्रेडिबिलिटी एंड नेपोटिज्म एंड एवरी थिंग. सो आई एम जस्ट हियर आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट. नो, एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट यही है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट आई फील दैट टूडे माई ग्रैंड फादर वुड बी प्राउड ऑफ मी एंड आई एम ऑनर्ड दैट आई बिलोंग टू दिस फैमिली एंड दिस ब्लड लाइन एंड आई ऑनर हिज सैक्रीफाइस. आई सल्यूट हिम एंड आई विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन हिज लैगसी विद माई हैड हेल्ड हाई. मैनू किसी तो कोई डर की लड़ नहीं. सो बस इन्ना ही कहें हुए थोड़े सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप इस तो बाद कवर मेरे व्डे भी कुछ कहे बाजवा साहब कहे उस तो बाद थोड़ी जी होर वेट करो. अपना स्टैंड क्लियर कर दिए. बहुत एक्विजिशन लगी है, मड स्लिंगिंग बहुत हुई है. थोड़ा जा पेशेंस रखो, सारे क्वेश्चन के आंसर देवे. जिदा पहले नहीं भजे से अज भी नहीं भजा. हाँ जी, हिंदी भी करेंगे आपके लिए, इंग्लिश भी करेंगे, सब करेंगे. सर, मेरे भाई ने, मेरे भरा ने ग्रैंड पेरेंट्स की गल की थी. मैं उन्हां बंदियां नूं आंसर देना चाहना है जिहड़े कहिंदे कि ये तो जम्मे ही नहीं सी जी उस टाइम. ये किदां क्लेम कर सकते ने? जिहड़ा तुसीं सारे मेरे रिपोर्टर वीर भैन भरा बैठे ने, सारिआं दे किसे दे बच्चे होणे आ, थोड़े तो ज़्यादा प्यार थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े बच्चे नाल करते होने. वो प्यार साडे दो भरावां नूं, मेरी सिस्टर नूं वेखण नूं नहीं मिलिया. इस गल दी मीडिया वालियां नूं कदर करनी चाहिए. लोग कहिंदे ने, अज लोग कहिंदे ने कि देखो मैनू क्यों नहीं जॉब मिली है. हर बच्चा कहिंदा ये जॉब तो मैनू मिलनी चाहिए सी. बड़ा सिंपल क्वेश्चन मेरे सारिआं नूं, जदों साडे दार जी की शहादत हुई किसी ने कहा कि इहदे दार जी क्यों, मेरे दार जी क्यों नहीं? जदों मेरे वड्डे ताया जी ब्रिगेडियर महेंद्र पाल सिंह बाजवा टाइगर हिल ते पाकिस्तान की गोलियां का सामना कर रहे सी, किसी ने कहा इन्हां दे ताया जी क्यों, मेरे ताया जी क्यों नहीं? मेरे ताया जी प्रताप सिंह जी बाजवा, मेरे फादर फतेह जंग सिंह जी बाजवा योधे, जदों बॉम्ब ब्लास्ट के सामने कर रहे सी, किसी ने कहा मेरे ताया जी ते मेरे बाप क्यों नहीं? अज मेरे ब्रदर नूं नौकरी मिली, सारे कहिंदे ए क्यों ते मैं क्यों नहीं? हर कामयाब बंदे दी ना चमक सारिआं नूं विखाई दिंदी है, पर वो जिहड़े अंधेरिआं तों गुजरदा है वह किसी नूं, वह कोई नहीं देखना चाहता. आपके लिए सर हिंदी में कोट, हीरा हर कोई बनना चाहता है पर कटना कोई नहीं चाहता. सो साडे लीडर ने क्या, कोलीग्स ने क्या कि ये तो जॉब देण वाले ने, ये रोल मॉडल्स ने, इन्हों तो एग्जाम्पल सैट करना चाहिए. बिल्कुल सैट कर रहे अज सानू कवर किया गया. ये करोड़पति ने जी, लखा ने, काके ने, सो कॉल्ड है जट्टा दे. ते जदों अगर इन्ना करोड़पति सो कॉल्ड मुंडा पुलिस की सेवा कर सकता है तो वो एक एग्जाम्पल सैट करना नहीं है सोसाइटी ली. अगर बंदा कोई सर्व करना चाहता है, असी NGO भी रन करते हैं, असी पॉलिटिक्स भी थ्रू लोगों सर्व करते हैं, हम पुलिस के थ्रू लोगों सर्व करना चाहते हैं, तो ये हर्ज की हैगा? इन्नी रिग्रेसिव थिंकिंग क्यों है? मेरे ब्रदर ने महात्मा गांधी जी की गल की, असी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने सलूटा दे मार दें. एक कोट याद दिलाना चाहना महात्मा गांधी जी का, बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी टुमोरो. सो इफ वी आर बीइंग द चेंज दैट वी वॉन्ट टू सी टुमोरो, माई फादर विल एम्फोसाइज ऑन दैट. बट अज आप एक प्रेसीडेंट सैट कर रहे हैं दूजे लिए, तो वो सारिआं नूं फॉलो सूट करना चाहिए. मैं अपने मीडिया के भरावां नूं भी बेनती करांगा, जिदा सानू कवरेज तुसीं दित्ती है, साडे ते मड स्लिंगिंग हुई है, जिन्ना जिन्ना ने नेपोटिज्म कीता है, आप एक प्रेसीडेंट सैट करिए. वी आर नॉट अगेंस्ट दिस, वी आर फॉर दिस. ओके फाइन, लैस मूव टूगैदर. इफ वी वॉक, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वी कैन वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वी शुड वॉक टूगैदर. सानू सारिआं नूं इस लड़ाई दे विच कट्ठे चलना चाहिए. लोग कहिंदे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा सी लोगों के कि जी इन्होंने कि खुशी खुशी जॉब वापस की है, ये तो मजबूरी च दिती है. मेरे दोस्त, ये सारे लिए
खुशी इस बात पे निर्भर करती है कि तुम क्या दे सकते हो, इस बात पे नहीं कि तुम क्या पा सकते हो। तो मैं थोड़ा ये दसना चाहना है कि अगर थोड़े जे आप 1,000 रुपये कोई तनख्वाह होनी है एक इंस्पैक्टर की, अगर आप 100 करोड़ों की जायदाद में थोड़े 1,000 रुपये जोड़ लेंगे, साडा किहड़ा कोई स्विस बैंक च अकाउंट खुल जाना सी, किन्ना क फाइनैंशियल गेन हो जाना सी सानू, कि हुण आपां एक अमीर बंदे दी ते एक गरीब बंदे दी लाइफ दे विच कोई डिफरेंस हुंदा है, कोई अंतर हैगा, कोई स्केल हैगा जिहदा आपां कर सकते कि नहीं जी अमीर बंदे दी वैल्यू ज़्यादा है लाइफ दी ते गरीब बंदे दी घट है, या गरीब बंदे दी ज़्यादा ते अमीर बंदे दी घट है। कि एक पुलिस वाला, कि एक आर्मी वाला सरहदां ते खड़िया टैररिस्टां दी गोलियां खांदा होया, दुश्मनां दा सामना करदा होया अपने CA नूं फोन करे कि भरा मेरी ITR स्टेटमेंट दी वैल्यू दसी कि कितने मेरी टैक्स रिटर्न ज़्यादा तो नहीं है, कल नूं मेरे उत्ते क्वेश्चन मार्क खड़ जाण मेरे मुंडे ते कुड़ियां ते, कि कल नूं इहनां नूं जॉब मिले, लोकी कहिंदे ओहो इह ते बड़े वेल ऑफ ने, इहनां नूं की लोड़ है जॉब दी। गल जज्बे दी है ते आपां फकर करदे उस जज्बे ते, सरदार सतनाम सिंह जी बाजवा दे जज्बे ते, पर शर्म उस गंदी लो माइंडेड नैरो थिंकिंग शैलो राजनीति ते। सैड टू सी जिद्दां अर्जुन ने कहा अज दे गैंगस्टर्स दे उत्ते बहुतिआं ने कवरेज की, पर साढ़े ASI भरावां दे उत्ते बहुत घट बंदिआं ने की। पता यह भी हो जाए उदों विचों इक हुंदा, की पता साढ़े अगर शहीदां दा परिवार है, की पता इहदा भी कितें फील्ड ड्यूटी लगती तो खुदा ना खास्ता इहनूं भी कितें सामना करना पैंदा। किसने फोरकास्ट किया सी, असीं पहलां ही कहता जी इहने तो AC दफ्तर च बहना। सो मैं थोनों सारिआं नूं एक सिंपल क्वेश्चन पुछदा, इफ यू सैड कि जी इन्हां नूं नौकरी बहुत प्यारी है जी, इह ते छड्डदे ही नहीं कुर्सियां नूं, मैं थोनों एक ऑप्शन दिंदा सारिआं नूं, गॉड गिव्स यू ए चॉइस, थोनों रब एक चॉइस दिंदा है, या अपने एक परिवारिक मैंबर की जिंदगी बचा लो या एक जॉब लै लो, तुसीं की चूज़ करोगे? जो थोड़े सारिआं दा आंसर है ना वो मेरा आंसर है, कोई जॉब इदा नहीं चूज़ करता। सारिआं नूं साडा 10 पीढ़ियां आपां 10 साल 15 साल राजनीति च पिछे चले गए, साडा परिवार फाइनैंशियली पोलीटिकली सोशियो इकनोमिकली एवरी वे आर फैमिली वॉज पुश्ड बैक। सो प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स आफ्टर, जदों मैं, मेरा ब्रदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरे मदर, असी 5 जने इकट्ठे बैठे, असी ये फैसला किया कि अगर सानू अपने अज का सैक्रीफाइस, अज का त्याग करना पैना बच्चों के कल की खुशी ली, तो आप जाना देने वाले बंदे हैं, जॉब तो लख बार देवे, लख बार योजी जॉब आप छड़ देंगे। तो अर्जुन नू भी मैं ये गल कही है, मैं क्या हौसला नहीं हारना, क्योंकि कल्ली पुलिस ही नहीं है सर्विस करने ली लोगों की, बहुत होर एवेन्यूज ने, ते कदे कदे जदों मेहनत तो बाद फल नहीं मिलता तो रास्ते बदलने चाहिए, सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए अपने, क्योंकि पेड़ भी पत्ते छड़दे ने, जड़ां नहीं छड़दियां। सो मैं सारिआं नूं यही जिद्दां पहला अपील कीती सी, जे साडे उत्ते कोई एक उंगल इदां चकदा है ना तो 3 उंगलां उहदे ते भी हुंदियां, ते एक बार जिहड़ा ये सोच रहे सी कि जी ये तो इन्नी देर लई चुप बैठे ने, कोई इन्हां ते प्रैशर है, इन्हां नूं ते धक्के नाल छड़वाई गई है, इहदा जिहड़ा सारा जवाब बाजवा साहब देणगे, ते मैं ये कहना चाहना कि जिद्दां अर्जुन ने कहा कि जे मेरा अगले जन्म च भी बर्थ हुंदा ते मैं चाहवांगा कि मैं सरदार सतनाम सिंह बाजवा दा ग्रैंडसन बना। अच्छा, सारे नो पहले तो मैं सारे भरावां दा और खास करके जेडे कुलीग्स ने कैप्टन अमरिंदर सिंह हुरां दा बहुत धन्नवादी हाँ, मुख्यमंत्री पंजाब दा, जिदा मेरे बच्चों ने कहा भी दे हैव रैकगनाइज द सर्विसिज द मार्टिरडम ऑफ माई फादर सरदार सतनाम सिंह बाजवा। देखो राजनीति कुलीग्स नाल होए तो समझ आती है, राजनीति बच्चों ना होए ये बहुत छोटी गल है। असी मैं एक छोटी जी गल कहना, जिस वक्त पहली गल तो मैं तुहानू जवाब देना चाहना भी कैबिनेट मीटिंग तो पहले फतेह जंग सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नू बेनती करके मैसेज पा के कहा भी इनू
सानू नौकरी नहीं चाहिए। कृपा करके इस एजेंडे नू विड्रॉ कर दो, क्योंकि कुछ शरारती अंसर कुछ साडे साथियों ने कट्ठे होके एक मन बनाया सी भी ये नौकरी जदों कैबिनेट में आएगी तो असी इस गल का ऑब्जेक्शन करांगे। कर ली कोई गल नहीं, उन्हां दा हक बनता है, जो उन्हां नू ठीक लगा उन्हां कीता, राजनीति की बच्चों से कर ली कोई गल नहीं। पर सारियां नू माड़ी गल सारियां नू पहले मैं दसना चाहना भी पहला ट्वीट आया सुखबीर बादल जी का भी ये तो बहुत धक्का हो गया जी, ये नैपोटिज्म है, ये एक करोड़ापति बच्चों नौकरी दी गई है, इन्हों का की हक सी, इन्हों की लोड़ सी। नैपोटिज्म की गल तो मैं एक छोटी जी गल कहना, मैं तो सारे के थ्रू बड़ा सत्कार करता, कभी किसी लिए माड़ी गल नहीं कही। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और उन्होंने परिवार से नैपोटिज्म की गल करता भी मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल 6 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 5 बार, और सरदार सुखबीर सिंह जी बादल डिप्टी मुख्यमंत्री बने, और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, उन्हां दी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल जी यूनियन कैबिनेट के मंत्री रहे ने, उन्हां दे सालग्राम जी मजीठा साहब पंजाब के माल मंत्री रहे ने, उन्हां दे जवाई साहब आदेश प्रताप सिंह कैरो जी पंजाब के फूड मंत्री रहे ने, सारी अकाली दल दी किते भी मैनू शहादत दी एक चीज़ दसो, इन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है इन्हां दी, साढ़े को लिस्ट हैगी है। बड़ी औखी जी ये लिस्ट कढ़ी है, बड़ी रिसर्च तो बाद ये है जी इन्हां दी शहादतां दी लिस्ट दोनों पार्टीज दी। बड़ी रिसर्च तो बाद गूगल ते भी आपां टाइप कीता ते गूगल भी कहिंदा कोई चज्ज दा सवाल पुछो यार, ये की पूछ रहे हो, ये इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों पार्टीज दी टूवर्ड्स द स्टेट एंड कंट्री। तो असी बेसिकली ये गल कहने भी कोई चीज़ कह तो पहले बंदे नू अपने मंजे थले झाड़ू फेरना चाहिए। सरदार इस अकाली दल दे मैं तुहानू दसना चाहना, तुहानू शायद सारिआं नू पता होएगा, तुसी अगे भी कई बार सुनिया हो, जनरल डायर दा तुसी नां सुनिया होना, ये मजीठा परिवार जनरल डायर नू खाने ते बुला के हरिमंदर साहब तो सरोपा दवा के ते जलियांवाला बाग दा मैसेकर जदों हुंदा है, ये बंदे ने जिहड़े उन्हां बंदियां दे नाल अपना तालमेल रखदे सी, इन्हां ने कादियां शहादतां देनियां ने, इन्हां ने कादी इन्हां को वॉट राइट डू दे हैव टू क्वेश्चन किसी दी मार्टिरडम। मेरे वीरो वो तो एक अलग चैप्टर सी, पोलिटिकल साढ़े ओपोनेंट सी, उन्हें कहता सानू उस गल का क्योंकि उन्होंने हक बनता है, डेमोक्रेसी है, उन्होंने क्वेश्चन किया सी, उसका जवाब देता। जेडे साढ़े भरा सी अर्जन ने तो अज प्रेसीडेंट सैट करता अपनी नौकरी दे के, मैं इन्हों मिनिस्टर्स तिरुपत रजिंद्र सिंह जी बाजवा जिन्हों का बेटा जिला परिषद गुरदासपुर का चेयरमैन है, सुख सरकारिया साहब जिन्हों का भतीजा जिला परिषद अमृतसर का चेयरमैन है, सुनील जाखड़ साहब जिहड़े साढ़े पीसीसी के प्रधान ने, उन्हों का भतीजा अजय वीर सिंह पंजाब फार्मर कमीशन का चेयरमैन है, ईएओ प्रेसीडेंट नूं फॉलो करेंगे, असी सैट करता है प्रेसीडेंट, एंड वी वुड नॉट लाइक दीज हैवीवेट पॉलिटिशियंस जिन्हां ने 4 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे विच 4 साल वो मलाई वाले पोर्टफोलियोज लै, ते अज वो अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा या जोगिंदरपाल पांडे होरां दे बेटे की नौकरी का ऑब्जेक्शन नहीं सी कर रहे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे कीते हुए उस कैबिनेट के फैसले का विरोध कर रहे सी, क्योंकि विरोध उन्होंने उन्हों का फतेह जंग सिंह बाजिया कहते कैप्टन साहब के अगेंस्ट जाता। मैं एक सवाल पूछना चाहना, 4 साल
सारा काम कैप्टन ओ अपना जाखड़ साहब का मैनू कल एक सवाल सी भी कैप्टन साहब के जिहड़े एडवाइजर बड़े मारे आ गए ने उन्होंने एडवाइस गलत दे रहे ने उस गलत एडवाइस के उत्ते गलत फैसले हो रहे ने। चार साल सब एडवाइसा ठीक सी, चार साल दी जिहड़े तुसी नाल लगे सी अज किहड़े माड़े आए ने, मैं इन्हां को पुछना चाहना अज दे एडवाइजर किहड़े माड़े ने ते किहड़ा गलत फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहा ये उन्हां को तुसी जरूर इस चीज़ का जवाब मंगना। और मैं ये गल कहना चाहना मैं तुहाडी बहुत इज्जत करदा, जाखड़ साहब ने पहले सोनिया जी नूं चिट्ठी लिखी इन्हां दी नौकरी बारे, अगले दिन मैनू फोन करते हैं मैनू कहते फतेह जी मेरा प्रताप बाजवा नाल ते डिफरेंसिस हो सकते हैं, मेरा मैं तुहाडी बहुत इज्जत मान ते तुसी मेरी इलेक्शन च बड़ी मदद की है और सारे ने वड्डी गल है भी अर्जुन ने मेरी इलेक्शन च बहुत मदद की है। मैं क्या जाखड़ साहब इसे गल का सिला दे रहे हो इसे? हाँ असी कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ दिती होए या कि सरकार ने किया होए असी तो भी लैन तैयार नहीं। तुसी सानू तो कह सकते हो तुसी टीवी ते जाके तुसी चिट्ठियां कर करके तुसी की करना की मैं मैसेज की देना चाहते हो? तुसी मैसेज ये देना चाहते हो भी असी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल नहीं? इहो सवाल मैं अज तुहाडे भरावां नूं ये दसना चाहना भी जिहड़े लोग इस किस्म की राजनीति करते ने लोग उन्होंने बड़ी चंगी तरह पहचान लैन, इस किस्म की राजनीति चंगी नहीं होंदी। डू पॉजिटिव पॉलिटिक्स, डोंट गैट इन टू द नैगेटिव मोड। और मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता, कोई गल नहीं उन्होंने जो कोई गलत किया, पर जिहड़ा प्रेसीडेंट अज अर्जुन प्रताप ने सैट किया अज बाजवा परिवार ने सैट किया कि ये भी उन्होंने फॉलो कर लूँ कि असी मैं अज तुहानू इस ते कैमरे ते कहना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं सरकार बनन ते जो जिला परिषद गुरदासपुर की चोन हुई साढ़े सारे नो सीनियर ठाकुर बलराज सिंह इतने मेरे मैंबर आए ने जिला परिषद के पांच बार बने सारे ने यह गल की भी ठाकुर बलराज सिंह शुड बी द चेयरमैन ही इज़ द वर्कर ही इज़ डन सो मच फॉर कांग्रेस। पर कौन बनया? तिरुपत राजेंद्र सिंह बाजवा का बेटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तुहानू पता है भी कितने कितने टिकटा लैन नू फिरदे सी ते दूजियां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच जाके इंटरफेयर करदे। मेरे वीरो इन्हां लोगों नू जिहड़े पार्टी दे सीनियर लीडर्स ने मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा भी सानू भी जे अज अर्जुन प्रताप एक छोटे बच्चे ने एग्जाम्पल सैट किया यू मस्ट फॉलो दैट एंड वी विल सी वैदर दे फॉलो इट ऑर नॉट। मैं बहुत ही ये जी गल आम जिहड़ा जिदा तुसी इन्हां ने जिक्र किया भी ये चुप क्यों बैठे ने तीन चार दिन, इन्हां ते की प्रैशर पिया इन्हें नौकरी छड्डी की वोटां करके इन्हें नौकरी छड्डी की वजह सी ये चुप रहे? मैं तुहानूं ये दसना चाहना मैं तुहानूं अगे भी दस्या जिस वक्त इस नौकरी की गल दो तीन दिन पहले आई और जिस किस्म की राजनीति होने लगी असी उस वक्त घर में फैसला कर लिया और मैं कैप्टन साहब न मैसेज पा के कहा कैप्टन साहब प्लीज़ इस नौकरी नू अर्जुन प्रताप नौकरी नहीं लेना चाहता असी इस नौकरी नहीं लैनी। ये फैसला कैप्टन साहब तुम दस सकते हैं जिस वक्त ये सारी गल हुई मेरा फर्ज बनता सी भी मेरे लीडर ने मेरे मुख्यमंत्री ने जेड़े मेरे फादर की मार्टिडम पहचानिया उन्होंने इज्जत दिती मैं इन्हों दे अस्तीफा अर्जुन ने उन्होंने हाथ में फड़ाया दिल्ली जाके भी आ लो पढ़ो असी ये नौकरी त्यागती असी कोई गल नहीं यहोजी करना चाहते। उन्होंने मीटिंग सी उन्होंने तीन मैंबरी कमेटी मिलना सी उन्होंने कहा भी ऐ लो जी उन्होंने बाजवा और फैसला आ गया हूँ तुम ये दसो असी कितने गलत हैं असी कितने कसूरवार हैं साड़ी केड़ी एहो जी चीज़ सी जिहड़ी सरकार ने साडे लई कर दित्ती जिहड़ी एक चंभे वाली सी। पर जरूर इस गल ते फील सानू होया जिदा बच्चे जज्बाती होए भी किसे दे दादे दे यार तुसी इस किस्म की राजनीति करो इस किस्म दियां गल्लां करो। मैं ते अपने कुलीग्स नू कहा यार तुसी मेरे नाल ही गल कर लैंदे ये किड्डी की गल सी असी तां
मैं वही गल इन्हां दी गल दोहरा रहा भी शहादत देने वाले नूं इह नौकरियां तां बहुत छोटियां चीज़ां ने। और मैं अपनी पार्टी हाईकमान तों मैं तुहानूं दसना चाहुंदा साडी पार्टी दे विच महात्मा गांधी जी तों लैके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सरदार बेअंत सिंह, जोगिंदर पांडे, सतनाम सिंह बाजवा, शहादतों की लिस्ट की तुहानूं कोई कमी नहीं आ सकती। और यहो मैं गल कहना सोनिया गांधी जी ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की चेयर डॉक्टर मनमोहन सिंह दी, इस तो वे त्यागा की कि हिस्टरी तुम सुनना चाहते हो? ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इस चीज़ के उत्ते बच्चे जरूर जज्बाती हुए थे, मैं मीडिया वाले को भरावों को जो किसी इस गल की ठेस लगी हो मैं माफ़ी भी चाहना क्योंकि उन्होंने उम्र है, बचपन है। पर मैं ये गल तुहाडे राही मैं जरूर करना चाहना, पंजाब दे विच जे अज किसी ने अगे आना है तो तुहानू एग्जाम्पल सैट करने पैने ने। कमर की गल भी तेज चलना तो कल्ले चलना पऊ, जे कलैक्टिवली आपां चेंजेस लियानिया ने पंजाब दे विच ते फिर सानू सारिया नू इकट्ठे चलना पएगा, ये सोच नू बदलना पएगा। अगे जे हुण तुहाडा कोई क्वेश्चन है आपको जवाब तो दे दिया उनका, देखो उनका राइट है, उन्होंने जो बोल दिया उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने तो पहले ही बता दिया भाई अब तो लेना ही नहीं चाह रहे चीज। सिपाही नाल शहीद होया सुखदेव सिंह वाइफ नूं नौकरी दित्ती गई उन्होंने घर के जेडे बाकी उन्होंने प्राइवेट साथी सके नाल कोई जिन्हों फैमिलीज बहर कंट्री जाके सैटल हो गई असी तो अजे तक कोई गल असी जे तो असी लीए तो किसी ना दवाइए फिर असी कुछ। गल का मैं भी जवाब देना चाहना जी, किसी ने कैप्टन अमरिंद जी ने बड़ा क्लीयर किया कि होर भी कोई है तो आओ क्लेम करो। असी मैं अज आप गिव अप भी कर रहे पर यहोजी टेररिस्ट विक्टम की फैमिली मैं परसनल तौर पर फुल सपोर्ट है, चाहे वो रिच ने पुअर ने, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ। भाई साहब आज के तुहाडी सरकार ने घर घर नौकरी वाला वादा पूरा किया हुंदा तां लगदा कि अज ये सवाल ना खड़ा हुंदा क्योंकि विधायक भी यही गल कह रहे ने कि असीं लोकां दे विच जाके की जवाब देवांगे, घर घर नौकरी असीं दित्ती नहीं और विधायकां दे मुंडियां नूं नौकरी दित्ती जा रही है। ये सौड़ी राजनीति है, तुसीं घर घर भी करदे तां वी इन्हां ने इहो कुछ ही करना सी। मैं तुहानूं इक गल दा जवाब देना चाहुंदा, जिहड़े किसान वीर 400 दे करीब ए शहीद होए ने एज फार्मर एस ए उन्होंने बच्चों में भी नौकरियां दी जा रही हैं, उन्होंने पैसे भी दिए जा रहे हैं। सरकार कितने कितने की कर पैरालंपिक्स खिलाड़ी जिन्होंने देश वास्ते मैडल जितते अज उन्होंने इतने आके अपने मैडल तुड़वाने पै रहे हैं, उन्होंने जमीन के उत्ते सुटिया गया, उन्होंने लहू आ रहा, उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही। हालात सवाल खड़े होते असी तो लई नहीं ना नौकरी भाई साहब, असी तो नहीं लई साडे ते सवाल ते तां तुसी साडे एक मिनट एक सेकंड एक सेकंड मेरी एक सेकंड मेरी एक गल एक एक करके गल करो। विरोध तां हुंदा जे मैं नौकरी लैके ते छड़दा, विरोध ताडा ताडा सवाल तां बनदा सी असी नौकरी लै लैंदे, असी समझदे हुणे प्रेशर है असी छड़दे। मैं तुहानूं कहा भी मेरे को इन राइटिंग प्रूफ है, मुख्यमंत्री साहब नूं जाके पुछ लो, मैं कैबिनेट मीटिंग तो पहले ये गल कहती भी सानूं नौकरी नहीं चाहिए, वो दसो ये असं की कर सकते। वो हरीश रावत जी तो मैनू मिले नहीं मेरे जी, उन्हें बयान इस करके इन्होंने किया क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी सी उन्होंने जाके रावत जी को दिखाई भी उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं की। इट वॉज टोटली मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, थोड़ा हर एक पार्टी का हर एक ऑफिस का एक डेकोरम होंगे, तुसी अपनी जॉब छड़ना चाहो तो तुसी एक महीने का नोटिस देने हो ना, तो उदा ही सानू भी नोटिस देना पैंदा अपनी हाईकमांड नू, साडे अपने लीडर्स नू थैंक करना पैंदा
उस तो बाद प्रोसीजर होंगे ये कोई चुप नहीं बैठे शेर की कम शेर की चुप इन कमजोरी ना समझ उनका परिवार एक सेपरेट आइडेंटिटी है, फतेह सिंह बाजवा का परिवार एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो उनकी इस मामले में कोई से नहीं थी, ये हमारे पांचों ना ही उसका कोई फर्क पड़ा हमें, हमने जब ऑलरेडी सोच लिया हमने लेनी भी थी तो कोई भी कुछ भी लेता है। देखो रीजन आई डोंट नो दैट यू कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर that even as the chief minister it was my this thing maybe when that is the best known to him you can see any political I don't see anything out of it I don't see lagda ki eh jada virodh ho raha hai ek banda tade te koi neki kare te main kahwa mainu ethe koi hor nahi that's wrong thing bajwa sahab eh jada virodh ho raha hai ki lagda hai ki jada aam lokan de vich virodh is karke ta nahi ho raha kyunki ek sampann gharane de naal tusi sambandh rakhde ho te bahut sare jada loki aam janta jehdi hai berozgar hai gi hai शहादत दा कोई अमीर ते कोई गरीब हुंदा पहले मैनूं एक गल दा जवाब दे दो ठीक है कोई गरीब बंदे दी शहादत दा ते जां किसे अमीर दी शहादत दा जिहड़ा कोई राइट बनता है जिहड़ी गवर्नमेंट पॉलिसी है वह अवेल करनी कोई पाप है शहादत उत्ते नहीं समझिया इस चीज नूं वार दित्ता कोई गल नहीं बड़ी छोटी गल है बिलीव भी बड़ी छोटी।